हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मीटर सेतु के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। अगर बात करें दोस्तों आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, इसलिए वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना। आज बहुत ही सिंपल तरीके से इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखिए, जो ये मीटर सेतु होता है, अगर हम बात करें दोस्तों, ये एक्चुअल में मीटर सेतु या मीटर ब्रिज है क्या? तो मीटर सेतु का सिद्धांत बात करें दोस्तों, तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब व्हीटस्टोन सेतु क्या है, अगर आपको ये भी नहीं पता तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहले व्हीटस्टोन सेतु को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। ठीक, तो इसका सिद्धांत क्या है, तो यह क्या करता है कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। क्योंकि मीटर उसमें व्हीटस्टोन सेतु में भी तो वही होता है ना कि किन्हीं तीन भुजाओं के प्रतिरोध हमें पता होते हैं, चौथे का नहीं होता है। इसमें भी वही चीज है कि पी क्यू आर एस है, और पी क्यू आर के मान हमें, ये जो पी क्यू आर के प्रतिरोध हमें पता है, एस का नहीं पता है, तो यही हमें निकालना होता है। ठीक, अब देखिए इसमें दोस्तों, इसकी जो बनावट या संरचना, इसकी जो बनावट या संरचना ये क्या होता है, और इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सब कहने की बातें हैं कि बहुत टफ होता है, एकदम सिंपल है। देखिए इसमें होता क्या है, ध्यानपूर्वक समझिए, इसमें एक क्या होता है, 100 सेंटीमीटर बोलिए या एक मीटर, इसमें 100 सेमी लंबा एक तार एसी होता है। तार क्या है, ए और सी है ना, ए सी, एक लंबा 100 सेमी तार होता है। और तार किसका होता है, तार मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन या फिर यूरेका या नाइक्रोम कहा जाता है। तो इतना लंबा आपको जाने की जरूरत नहीं है, केवल इतना लिख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि एक 100 सेमी लंबा मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का तार होता है। बात समझ में आ गई कि इसमें क्या होता है, 100 सेमी लंबा एक मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का तार होता है, ये आपको लिखना है संरचना या बनावट में। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये तो हो गया कि 100 सेमी लंबा एक तार होता है, और ये जो तार फिर आगे लिखना है कि यह मीटर पैमाने के सहारे, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें 1 2 3 4 ऐसे करके नंबरिंग होते हैं पूरा, तो ये क्योंकि ये मीटर पैमाना है पूरा, मीटर पैमाने के सहारे लकड़ी के आधार पर कसे होते हैं, और इनका जो पेचों का संबंध होता है दो यल के आकार पर मुड़ी हुई पत्तियों से होता है। और किसकी पत्तियां, तांबे की पत्तियां होती हैं। लिखना क्या है कि क्या बताया कि इसमें 100 सेमी लंबा एक मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का तार होता है, जिसे मीटर पैमाने के सहारे लकड़ी के आधार पर कसा जाता है, और इनका जो पेचों का संबंध होता है वो एल आकार पर मुड़ी हुई दो तांबे की पत्तियों से होता है। बात समझ में आ गई। चलिए अब क्या लिखना है कि इन दोनों पत्तियों के बीच में एक तीसरी पत्ती भी होती है, इन दोनों पत्तियों के बीच में एक तीसरी पत्ती होती है जिसमें तीन पेच लगे होते हैं। तीन पेच आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तीन पेच लगे होते हैं, और जो बीच वाला पेच डी है, बीच वाले पेच डी, इसमें क्या होता है, एक धारा मापी जोड़ दिया जाता है, जिसका संबंध एक सर्पी कुंजी से होता है, जिसे तार एसी पर आगे पीछे खिसकाया जाता है। ठीक है ना, इसे जहां पर जोड़ते हैं उसका नाम बी दे दिया गया है। ठीक, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद होता क्या है कि बिंदु ए व डी के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स आर जोड़ दिया जाता है, और यहां से डी व सी के बीच, यानी इसके बीच में क्या है, एक अज्ञात प्रतिरोध, यानी जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, एक अज्ञात प्रतिरोध एस लगा देते हैं। बात समझ में आ गई कि बिंदु ए व डी के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स आर जोड़ देते हैं, तथा बिंदु डी व सी के बीच में एक अज्ञात प्रतिरोध एस जोड़ दिया जाता है। ये तो हुई, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब उसके बाद कैसे लिखेंगे कि प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है ना, एक मिनट, अभी ये चीज है ना, इसको नहीं ध्यान दिए। ठीक, तो इसमें और आगे क्या लिखेंगे कि ए व सी के बीच में, ए व सी के बीच में एक सेल, एक धारा नियंत्रक और एक कुंजी जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, यहां से क्या है कि बिंदु ए व सी के बीच में एक सेल, एक धारा नियंत्रक, एक कुंजी जोड़ देते हैं। ये रहा पूरा बनावट। समझ में आ गया कि क्या लिखना है कि इसमें 100 सेमी लंबा मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का तार एसी होता है,
जो मीटर पैमाने के सहारे लकड़ी के आधार पर कसा होता है, और इनके जो पेंचों का संबंध होता है वो एल आकार पर मुड़ी हुई दो तांबे की पत्तियों से होता है, और इनके बीच में एक अन्य तांबे की पत्ती होती है जिसमें तीन पेंच लगे होते हैं, और इनके बीच वाले पेंच डी का संबंध एक धारा मापी से होता है जिसे क्या एक सर्पी कुंजी बी से जोड़ देते हैं। फिर आगे लिखा है कि ए व डी के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ दिया जाता है और बिंदु डी व सी के बीच में एक अज्ञात प्रतिरोध एस जोड़ दिया जाता है। फिर आगे लिखते हैं दोस्तों कि ए व सी के बीच में एक सेल, एक धारा नियंत्रक, एक कुंजी को जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार इसको हम बना देते हैं, इसकी बनावट ऐसे होती है। अब इसमें प्रतिरोध ज्ञात करना, प्रतिरोध ज्ञात कैसे करते हैं, चलिए वही चीज अब यहां हमें समझना है कि प्रतिरोध ज्ञात कैसे करते हैं, ठीक ना। तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, कि जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है उसे हमने बताया कि डी व सी के बीच में यहां पर जोड़ देते हैं, जो यस है इसे जोड़ दिया गया है। उसके बाद क्या करते हैं, जब ये डी से जो यहां धारा मापी द्वारा जो कुंजी जुड़ा है, जब इसको हम इस पे एसी पर स्पर्श कराते हैं तो ये जो तार होता है वो दो भागों में बंट जाता है। टोटल अगर दोस्तों यहां से यहां 100 सेमी है और मान लेते हैं ए बी, ए बी के बीच की जो लंबाई एल हो जाए तो बाकी ये बची हुई जो डिस्टेंस हो जाएगी वो 100 माइनस एल हो जाएगी, है ना। कितना हो जाएगा 100 माइनस एल, क्योंकि जो ये कहाँ से, ये यहाँ से यहाँ तक की है और ये बाकी की यहाँ से यहाँ तक की है, है ना। ये चीज होता है, ठीक। उसके बाद करते क्या है दोस्तों, यहाँ से करते क्या है कि जब यहाँ सेल द्वारा इसमें धारा प्रवाहित करते हैं और इस प्रतिरोध बॉक्स से कुछ आर का मान निकाला जाता है, ठीक है ना, उतना कि जितना कि क्या होता है कि हम इस कुंजी को इस पर स्पर्श कराएं और स्पर्श करा करके ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेते हैं कि इस जी के मान में इस यानी जो सुई होती है उसमें कोई भी विक्षेप ना हो, तब मान लेते हैं कि पूरा का पूरा परिपथ क्या है, संतुलित है। अब यहां से आपको लिखना है इसका सूत्र का निगमन कैसा करना, कैसे करना है ना। अब सूत्र इसका कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या है कि लिखेंगे सबसे पहले यहां पर क्या है कि ए बी, ए बी क्या है भाई, पहले ए बी बराबर दिया है, क्या है ए बी है एल है, ठीक ना। उसके बाद बी सी है, वो बी सी क्या है दोस्तों, तो बी सी का 100 माइनस एल है। अब लिखेंगे कि माना प्रति एकांक लंबाई पर प्रतिरोध एक्स हो, प्रति एकांक लंबाई पर प्रतिरोध एक्स हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो पी बराबर हो जाएगा दोस्तों, पी बराबर हो जाएगा एक्स इंटू एल। P बराबर ये देखिए L, L क्या है लंबाई है और X क्या है तो ये प्रति एकांक लंबाई पर प्रतिरोध है, और Q वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा X इंटू यहां से 100 माइनस L हो जाएगा। अब यहां से जरा बताइएगा कि व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है, व्हीट स्टोन सेतु के नियम से, के नियम से व्हीट स्टोन सेतु का नियम क्या होता है, पी अपान क्यू बराबर आर अपान एस। अब ध्यान दीजिएगा कि पी अपान क्यू बराबर आर अपान एस, यहां से देखेंगे पी अपान क्यू, पी का मान एक्स एल अपान क्यू का मान एक्स, उसके बाद 100 माइनस एल, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। इधर फिर आएंगे पी अपान क्यू का मान तो हमने रख दिया है, तो इसको लिख सकते हैं कि आर अपान एस बराबर, आर अपान एस बराबर ये क्या था, रुको रुको, हाँ एक मिनट, ये बराबर R अपान S के था ना, तो R अपान S बराबर हो जाएगा दोस्तों L अपान 100 माइनस L। तो इसको हम लिख सकते हैं, हमें S का मान चाहिए तो हम लिख सकते हैं कि S बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 100 माइनस L अपान ये क्या हो जाएगा L, और ये कोष्टक बन करके यहाँ पर R हम लिख सकते हैं थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से। यही क्या होता है अज्ञात प्रतिरोध के लिए सूत्र हो जाता है, और इसी के मदद से हम क्या है इस वाले, ठीक है ना, इस वाले जो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात और क्या है, इसमें आपको अगली हेडिंग सावधानियां, इसमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, यानी कुछ सावधानियां ध्यान में देने योग्य सावधानियां हैं, ठीक। अब देखिए सावधानियां क्या है,
पहला है कि सभी पेच अच्छी तरह से कसे होने चाहिए, अच्छी तरह से कसे होने चाहिए, अच्छी तरह से कसे होने चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा जो है दोस्तों कि तार को, ये जो कुंजी है ना, यानी इस कुंजी को तार पर रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे ये जो धारा मापी, ये यहाँ पे कुंजी है, ठीक है ना, सर्पी कुंजी, तो लिखेंगे सर्पी कुंजी को तार पर रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए, कर नहीं खिसकाना चाहिए या चलाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, तो इसका रीज़न यह है दोस्तों, अगर हम इस पर ज़्यादा रगड़ के चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो प्रतिरोध के मान में परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये फिर संतुलन की अवस्था नहीं रह जाएगी, फिर से वो गड़बड़ हो जाएगा। तीसरा है कि तार में अधिक समय तक धारा नहीं प्रवाहित करनी चाहिए, तार में धारा अधिक समय तक नहीं प्रवाहित करनी चाहिए, अधिक समय तक नहीं प्रवाहित करनी चाहिए, चाहिए। इसका रीजन क्या है, अगर अधिक समय तक प्रवाहित करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, तार गर्म हो जाएगा, तो इससे भी क्या है, इसके प्रतिरोध के मान में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ क्या होते हैं आपको नियम, ये इसका पूरा का पूरा, यानी सावधानियों में इतना आपको लिखना है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या लिखना है आपको, स्टार्टिंग में आपको सिद्धांत लिखना है, दूसरा हमने जो बनावट यानी संरचना में जो बताया, तीसरा प्रतिरोध ज्ञात करना, और प्रतिरोध ज्ञात करने में हमने यही बताया कुछ भी नहीं करना है, कि जिस प्रतिरोध को ज्ञात करना होता है उसे डीवासी के बीच में लगा देते हैं। उसके बाद क्या है कि इस प्रतिरोध यानी ये प्रतिरोध बॉक्स होता है, जितनी की आवश्यकता होती है इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं कि सेल द्वारा इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, और इस सर्पी कुंजी को तार एसी पर खिसका कर ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेते हैं कि जी के मान में कोई विक्षेप ना हो, तो हम मान लेते हैं कि ये जो परिपथ है वो संतुलन की स्थिति में है, ठीक है ना, संतुलन की स्थिति में है। तो ये इसमें क्या होता है कि प्रतिरोध ज्ञात करना, फिर सूत्र में इस तरह से आपने देखा सूत्र निकला, उसके बाद सावधानियाँ, ये इस तरह से आपको कंप्लीट इसका लॉजिक समझ में आ जाएगा, है ना। तो आई होप कि ये आपको अगर पसंद आई हो वीडियो, अगर पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।